पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर एक के बाद एक हमले किए। दिग्विजय सिंह ने सरकारी नौकरी के खाली पदों को ना भरने, पेपर लीक होने और ऑनलाइन परीक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा है। सिवनी दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर कई तीखे हमले किए और सरकार को नौकरी के मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि नए पद निकालने के बजाय जो खाली पद हैं उन्हें भी नहीं भरा गया है। कई ऑनलाइन परीक्षाएं हुई लेकिन उनमें भी भ्रष्टाचार है। परीक्षा की फीस ले ली जाती है लेकिन परीक्षा नहीं हो पाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के राज में बेरोजगार युवक युवतियों से कोई परीक्षा फीस नहीं ली जाती थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राज में शासकीय नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी लेकिन भाजपा ने सब खत्म कर दिया है। ऑनलाइन इम्तिहान में भारी भ्रष्टाचार सब जगह हुआ है। कई बार पेपर आउट हुए, कई बार लोगों से फीस वसूली की गई, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाए, परीक्षा नहीं हो पाई, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए। कांग्रेस पार्टी के राज में बेरोजगार युवक युवतियों से कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाती थी। इन्होंने फीस भी ली, सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे भी किए और नौकरियां भी नहीं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।